बाजार में ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी के बाजार में भी कोहराम मचा हुआ है। आपको बताया 2020 के बाद, माफ कीजिए, एक बड़ी गिरावट क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिली। एक हफ्ते में 30% क्रिप्टो गिरा है। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी है, उनसे बात करते हैं। आशीष, इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की वजह क्या है? देखिए, इक्विटी मार्केट्स की गिरावट देख के अगर आपको दुख हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आपका दुख बहुत कम है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखें तो कोहराम मचा हुआ है। ढेर सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो अपने 2020 के निचले स्तर पर आ गई हैं, और कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में देखें तो आधे से ज़्यादा का जो वैल्यू है वो इरोड हो चुकी है। बिटकॉइन जैसी प्रचलित जो क्रिप्टो करेंसी है वहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक हफ्ते में 30% और अपने हाई से देखें तो करीब 60% की गिरावट आपको देखने को मिली है। और 2022 की शुरुआत से बिटकॉइन जो है करीब $47,000 के करीब था, जो कि अब लुढ़क कर गिर कर $27,000 के करीब आ गया है। अब इस गिरावट के पीछे का कारण अगर आप देखें तो दुनिया भर में बिटकॉइन को, पूरे क्रिप्टो करेंसी को जो है बहुत ज्यादा रिस्की माना जाता है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सरकार जो है खुली तरीके से इन्हें पूरी छूट दे नहीं रही है, इनकी मान्यता दे नहीं रही है। इसके चलते एक ओवरहैंग हमेशा बना रहता है, जिसके चलते अगर आप देखें तो लगातार यहां पर बिकवाली का प्रेशर है, कंटिन्यूस गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आरबीआई की तरफ से भी अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत सख्ती देखने को मिली, इसका भी एक असर देखने को मिला। लेकिन एक क्रिप्टो करेंसी खास है, देखिए गिरावट की बात हम कर ही रहे थे, इसने जो है अपनी 99.9% वैल्यू जो है वो गवा दी है। ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका नाम है लूना, और इसने लगा दिया चूना, क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है। 40 अरब का जो है नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। $119 के करीब थी ये क्रिप्टो करेंसी, जो कि अब से भाव ही देखेगा आपको, क्योंकि $0.02 के करीब ट्रेड कर रही है। यानी क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी गिरावट है।